हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग सिटी। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड मैगी। देखिए, मैगी की तो बहुत सारी रेसिपी हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को। तो उसके लिए हम डाल रहे हैं ईयर ऑयल और गर्म हो गया तो हम डाल दें प्याज। इसमें आप कितना भी वेजिटेबल डाल सकते हो जो आप पसंद करते हो, लेकिन मैं तो नहीं डालूँगी ज़्यादा कुछ इसमें। ये प्याज डाल रही हूँ और ये शिमला मिर्च है थोड़ा सा, और टमाटर में कट करके रखे हैं। जो बेटी को पसंद है वही डाल रही हूँ मैं। बाकी बहुत सारी इसमें सब्जी जो भी आप डालना चाहो डालते हैं। इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, तब तक मैं मैगी मसाला कट करके रख ली। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर एक था जिसको मैं बहुत छोटे छोटे ट्यूब में कट की थी और इसका बीज मैं निकाल ली थी। टमाटर का बीज निकाल के ही डालना चाहिए इसमें। सो अब ये मेरा फ्राई हो रहा है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार जरूर आप लोग बना के देखें, काफ़ी टेस्टी बनी थी ये मैगी। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ। इसे भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी और तो मैं डाल दूँगी सारा मैगी मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई कर लूँगी। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, इस तरीके से ज़रूर बनाना। मैं शॉर्ट में नहीं बनाई, लॉन्ग में इसलिए बनाई, 2-3 मिनट लगा था। काफ़ी अच्छा बना था ये, दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाई थी कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और मैं मैगी भी इसमें डाल दी तोड़ के। 1 मिनट इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। काफ़ी टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी, तो आप लोग ज़रूर बनाना है इसको। और मैं इसमें पानी डाल दी, 2 मैगी है हमारा, तो इसमें 4 कप पानी पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें 3 कप डाली थी पानी, छोटे वाले कप से, जो हमारी छोटी चाय वाली कप होती है उसमें। एक पैकेट में मैं 2 कप डालती हूँ, इसमें 3 डाली थी। देखिए, अब मैं इसे ढकती हूँ। थोड़ा सा पकाई थी इसको शुरू में अच्छी तरीके से ही, और बहुत जल्दी बना था। मैं धनिया पत्ता काट के रखी हुई हूँ। ये हमारा मैगी खोलने वाला है। थोड़ा सा मैं इसे लिक्विड भी रखूँगी, एकदम सूखा सूखा नहीं बनाऊँगी। मेरी बेटी को खाना था इसीलिए उसको थोड़ा सा सूप वाला अच्छा लगता है मैगी, तो इसीलिए सूप भी बनाई थी मैं। आइए, मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दी और मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। तो हमारा मैगी बन चुका है और लास्ट में देखिए ये हमारा मैगी काफ़ी यम्मी बना था, बेटी को काफ़ी पसंद आया। So thank you.